ऐसा है, डीएम साहब की तरफ से 29 मोटर बोट यमुना में लगा दी गई हैं, जो कि राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। पूरी यमुना में हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जगह जगह पल्ला से लेकर जैतपुर तक, यानी कि दिल्ली में जहाँ से एंट्री होती है यमुना और दिल्ली का लास्ट जहाँ पे होता है, पूरी दिल्ली में हमने बोटें लगाई हुई हैं। सब पे डाइवर्स भी लगे हुए हैं और सभी का इंतजाम कर दिया गया है। और कुछ बोटें हमने करीब 23 मोटर बोट हमने स्टैंड बाई भी रखी हुई हैं। अभी हमने करीब 10-12 लोगों को रेस्क्यू कर दिया है जो यमुना के बीच में फंसे हुए थे, पानी उनके चारों तरफ था। उनको बोला गया था, हम लोग दो दिन से पहले ही मुनादी करा रहे थे यमुना में कि भाई आप लोग बाहर निकल जाइए, पानी तेज़ी से आ रहा है, लेकिन वो लोग नहीं निकले थे। अभी हमारे पास कॉल मिली तो हमने 10-12 लोगों को, हाँ, लेकिन हमें मालूम था ना यमुना का लेवल बढ़ेगा, हमारे पास फोरकास्ट आ गई थी पहले से। हम दो दिन से मुनादी करा कर पूरी यमुना खाते में सबको सूचित कर दिया गया था। तो अभी जितने भी थे हमने सारे यमुना से बाहर निकलवा दिया। वाटर लेवल जाने का 2450 के आसपास जाने का है अनुमान, देखते हैं बाकी जो होगा। और उसके लिए कितना आपको लगता है, कितने लोग इफेक्ट हो सकते हैं? यमुना खादर में रहने वाले लोग ही इफेक्ट होंगे और उनको तो निकलवा दिया गया, तो ऐसा कुछ बाहर तो आने का कोई संभावना नहीं है पानी। जी जी, लेकिन उसके अलावा जो अलग से आप लोगों की तरफ से रेस्क्यू करके जो लोगों को स्थाई टेंट बना के रखे जाते हैं, हाँ, और टेंटों की व्यवस्था कर दी गई है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ने, सारे डीएम साहब ने अलग अलग अपनी अपनी डिस्ट्रिक्टों में टेंट, पानी की व्यवस्था, उनके खाने की पीने की व्यवस्था सब करा दी गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। अभी आप ये मुनादी कर रहे हैं लेकिन लोग खुद से निकलते दिख रहे हैं? खुद से ये लोग नहीं निकलते हैं, खुद से नहीं निकलते हैं, इनको जबरदस्ती निकलवाना पड़ता है। कोई कहता है भाई हमारा सामान रह गया, ये रह गया, वो रह गया, भाई इसी तरह से इनको जो है ना जबरदस्ती निकालना पड़ता है। हमने काफ़ी लोगों को निकलवा दिया है। क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ टीम्स भी लगाई गई कि जो लोग? हाँ, टीम्स लगाई गई हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अपने अपने काम में वर्क कर रही हैं। मतलब कोई जहाँ भी फंसा होगा या कुछ भी होगा पहले ही निकलवा दिए गए, जो रह रहे हैं उनको भी निकलवा दिया गया। आपने बोला 29 बोट है, 29 बोट पे क्या कुछ सामान है, रेस्क्यू का क्या कुछ है, जैसे कितने लोग हैं? हाँ, उसमें एक पे 3 गोताखोर लगे हुए हैं, एक मोटर बोट पे एक चलाने वाला होता है, करीब 3 से 4 आदमी पर बोट पे लगे हुए हैं। सभी पे गोताखोर है? सभी पे गोताखोर है। जी 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 जी। हाँ, सब गीला हो गया, अचानक पानी आ गया, हम सो रहे थे, पता नहीं लगा, तो फिर सब थोड़ा वो सामान तो बाहर किए। प्रशासन मुनादी कराते हैं, आप लोगों को नहीं बताया गया था कि पानी पड़ेगा? कहाँ बताया, बताया होते तो हम हटा देते, बताया नहीं। इस पहले थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था हल्के 3 दिन से, तो हम जैसे चल इतने तो आते रहा, तो अचानक पानी आ गया, रात को सो रहे थे, तो सामान थोड़ा बहुत निकला, बाकी गीला हो गया, ठीक हमारा बुरी तरह से घर और सब डूब। आज रात कहाँ पे रुकेंगे आप लोग? अब देखिए किस तरह, तो कहीं भी रुकना पड़ेगा ऊपर, पुल के ऊपर टेंट बनाते हैं और टेंट उनके साइड में रुकना पड़ेगा। आप किस तरह आज घर सामान वामान निकाले, बच्चे बच्चे को लिखाना पड़ेगा, सब बच्चे बच्चे भी हैं यहाँ, खाने पीने का सामान लगाया जा रहा है। आप लोगों को कुछ बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं बताया गया सरकार, कोई उस उधर से कोई पहले एक बार और इसी साल अभी पानी था। हाँ, एक बार आए थे और पानी। तब आपको कहाँ रुके थे? हम ऊपर वहाँ रुके थे ठेके पे, ठेके के ऊपर पल्ली पोल है, हाँ उधर टेंट लगाए थे, 10-15 दिन वही कटे थे। नहीं बताया गया कि अभी नहीं बताया कुछ।